अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 का नाम है एटमॉस्फेयर। जिस चैप्टर में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर में एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अमूमन इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यूज आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा एग्जामिनर की अपनी मर्जी होती है, क्योंकि 10th क्लास की जो भी पेयरिंग स्कीम आती है ना, वो प्रॉपर पेयरिंग स्कीम नहीं होती, इसको फॉलो करता है एग्जामिनर बाज़ दफ़ा नहीं करता। और याद रखिएगा, ये जो पेयरिंग स्कीम आपको मिलती हैं ये ऑफिशियल नहीं होती, कभी भी एक पेयरिंग स्कीम भी ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से अनाउंस नहीं की जाती कि इस तरीके का से पेपर बनाया जाएगा, सही है। तो आप सिर्फ पेयरिंग स्कीम के ऊपर ना रहिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आप निकाल के चेक कर लो, इस चैप्टर में से अमूमन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ही आ चुके हैं। भैया सबसे पहले एटमॉस्फेयर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने में हम बेसिकली फोकस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इस चैप्टर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखे जाए तो बच्चे 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, उसी में ग्लोबल वार्मिंग उसके फर्क असरात भी आ जाते हैं। सेकेंड नंबर पर ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की डिप्लीशन, और थर्ड नंबर पर एसिड रेन। ये 3 अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आता है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से तो यहीं से आएगा, वरना किसी जगह से लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन नहीं आ रहा होता। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा जो ज़मीन है ना, ज़मीन, इसके 4 नेचुरल सिस्टम की बात की जाए, नेचुरल सिस्टम ऑफ आवर अर्थ, हमारी ज़मीन के 4 नेचुरल सिस्टम हैं। कितने नेचुरल सिस्टम हैं? 4। अब उनके नाम याद रखने हैं, बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ नेचुरल सिस्टम्स ऑफ आवर अर्थ। अब वो 4 कौन कौन से हैं? भैया सबसे टॉप के ऊपर है हमारे पास लिथोस्फेयर। सेकंड नंबर पे है बायोस्फेयर। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, उसको हम नाम दे देते हैं बायोस्फेयर। इसके बाद हाइड्रोस्फेयर, और लास्ट वाला हमारे पास है एटमॉस्फेयर। मतलब हमारी पूरी ज़मीन है इन 4 चीज़ों के मिलने से बनी हुई है। अब लिथोस्फेयर में पता कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं? लिथोस्फेयर में आपकी ज़मीन, मिट्टी, पहाड़, चट्टाने, ये सारी की सारी चीज़ें हम ला रहे होते हैं किस में? लिथोस्फेयर में, बायोस्फेयर में। ज़मीन पे जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, वो आएगा बायोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर, ज़मीन का 97% हिस्सा पानी ने घेरा हुआ है, और हाइड्रो का लफ्जी मतलब ही वाटर है। या आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे एल्कीन बनती थी। डिहाइड्रेशन मैंने कहा था जहाँ वाटर है उसका वाटर होता है। हाइड्रोस्फेयर जहाँ पानी पाया जाता है, और लास्ट में हमारी चीज़ आ जाती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आम ज़बान में कुराए अर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कुराए अर्ज। इस चीज़ को आपकी बुक ने एक्सप्लेन किया हुआ है, और यही चैप्टर का नाम एटमॉस्फेयर। यही है हमारे पास चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर को। अब एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द इनवेल्प कहते हैं ग्लाफ को। किसको? ग्लाफ को, या लिफाफे को भी कहते हैं। द इनवेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस का इनवेल्प है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द, इसको हम नाम दे रहे हैं, इज कॉल्ड एटमोसफेयर। बच्चे यहाँ पे कहा जी एनवेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों के गलाफ को एटमोसफेयर का नाम दिया जाता है। क्या मतलब? देखो हमारी ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन के चारों तरफ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, हमारी ज़मीन के, आप छोटा सा करें, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन सारी यहाँ पर करूँगा। भैया हमारी ज़मीन है ना, ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, मुख्तलिफ गैसेज के नाम बता रहा हूँ जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। अब ये जो मुख्तलिफ गैसेज ज़मीन के इर्द गिर्द ज़मीन को घेरे हुए हैं, इसको हम नाम दे रहे थे एटमोसफेयर का। क्या नाम दे रहे थे इसको? यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, इसको हम नाम देंगे एटमॉस्फेयर। क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेयर। भाई ये बात आपने याद रखनी है,
एटमॉस्फेयर क्या है, जमीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों के गलाफ को, इनवेल लिफाफे को, ये गलाफ को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अच्छा, इनवेल्प वर्ड क्यों यूज़ किया? देखो, गलाफ जो होता है वो आपको पता है, कुरान पाक का जो गलाफ है वो कुरान पाक को चारों तरफ से घेर लेता है। सेम इसी तरह मुख्तलिफ गैसों ने ज़मीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब जब मुख्तलिफ गैसों ने ज़मीन को चारों तरफ से घेरा, उन गैसेस को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें यहाँ पर मैंने तस्वीर में भी सेम इसी तरह काम किया है, ज़मीन के करीब करीब गैसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिस तरह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं गैसों की मकदार कम होती जाती है। एक वक्त ऐसा आएगा जब गैसें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उस जगह को हम नाम दे देते हैं स्पेस का। सही है? तो अगर मैं ज़मीन से ऊपर की तरफ तकरीबन ऊपर की तरफ कितने किलोमीटर जाऊं? 11 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाऊं? 11 किलोमीटर। तो तकरीबन 75% गैसें इसी एरिया में पाई जाती हैं। 75% एटमॉस्फेयर का हिस्सा इतने हिस्से में एग्जिस्ट करता है पहले 11 किलोमीटर में। कहाँ पे? ये एमसीक्यू आता है, मतलब आप ज़मीन से ऊपर की तरफ 11 किलोमीटर जाओ, 75% गैसें इतने हिस्से में आएंगी जो पहला 11 किलोमीटर है। अगर मैं ज़मीन से ऊपर की तरफ जाऊँ 30 किलोमीटर, कितना? 30 किलोमीटर, तो हमारे एटमॉस्फेयर की 99% गैसें, 99% गैसें इस हिस्से में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब मैं अगर जिस तरह यजमान से बहावलपुर जाता हूँ, 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है ना, आप इतना फासला ज़मीन से ऊपर की तरफ चले जाओ, स्पेस आ जाएगी एक किस्म की, क्योंकि 99% गैसें इतने हिस्से में है, बाकी बाहर वाले साइड पर तो 1% गैसें हैं, तो आप ऑलमोस्ट स्पेस कह सकते हो। सही है? तो ये चंद बातें आपने याद रखनी है, ये MCQ आते हैं कि हमारी ज़मीन का। नेक्स्ट क्या बात रखनी है आपने याद? 75% ऑफ एटमॉस्फेयर इज लाई इन, एटमॉस्फेयर इज लाई इन फर्स्ट 11 किलोमीटर, पहले 11 किलोमीटर में 75% गैसें ज़मीन की पाई जाती हैं, और 99%, ये MCQ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, 99% ऑफ एटमॉस्फेयर इज लाई इन फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर में तकरीबन कितने पाए जाते हैं हमारे पास? 99%। अच्छा, ये बात होगी। अब इसके बाद ना, हमारी ज़मीन में मुख्तलिफ गैसों की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, ये जो चीज़ मैं लिखूंगा बच्चे, ये है कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, मतलब ड्राई एयर का मतलब क्या है, जिसमें पानी ना हो, उसकी कंपोजिशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। बड़े ज़रा गौर कीजिएगा, हमारी एयर में, यहाँ मैं गैस का नाम लिखूँगा और यहाँ पर इसकी लिखूँगा परसेंटेज। बड़े, हमारी एटमॉस्फेयर में चार गैसें मेनली पाई जाती हैं, जिनमें दो गैसें हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा बनाती हैं, दो गैसें। अब चार गैसें कौन कौन सी हैं, नाम याद रखनी है आपने ना, 9th क्लास में किए हुए नाम याद, वही वाली परसेंटेजेस है। सही है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन हवा के अंदर, कौन सी गैस है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है ऑक्सीजन, फिर आर्गन होती है, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चे, नाइट्रोजन हवा के अंदर 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, राउंड ऑफ करके लिखा मैंने, आपकी बुक में 20.9 समथिंग दिया हुआ है, मैंने उसको राउंड ऑफ किया है, 21% है। इसके अलावा आर्गन 0.93% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये MCQ में कोई भी चीज़ आ सकती है। अब पास्ट पेपर में क्वेश्चन किस तरह पूछा हुआ है, वो कहेगा डिफाइन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की तारीफ करो, एंड राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, खुश्क हवा की कंपोजिशन लिखो। ये चीज़ याद रखनी है, ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ये है जी एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, मैं नेक्स्ट बात करूंगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बच्चे, हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसकी चार लेयर्स हैं, मतलब ये चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है हमारे एटमॉस्फेयर को। किस तरह, जरा गौर कीजिएगा बच्चे, ये सपोज कर लो ये हमारी ज़मीन है,
ये क्या हमारे पास हमारी अर्थ है। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ये हमारे पास अर्थ है, हमारी ज़मीन है। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और चार लेयर, सही है। कितनी लेयर्स हैं हमारे पास ज़मीन से ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, मतलब ये जो हमने एटमॉस्फेयर बनाया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाया है कि इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अब वो चार हिस्से कौन कौन से, नाम पहले नंबर पे आपको आने चाहिए और तरतीबवार। बड़ी ये वाला हिस्सा इतना कहलाता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये वाला इतना हिस्सा कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम नाम दे देते हैं मेसोस्फेयर, मेसो, और इसको नाम दे रहे होते हैं थर्मोस्फेयर, थर्मो। ये चार लेयर्स हैं, नाम याद रखने, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। बच्चे ट्रोपोस्फेयर की बात की जाए तो ज़मीन से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो बच्चे ज़मीन से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर तक, और स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन से 50 किलोमीटर दूर तक है। मेसोस्फेयर ज़मीन से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है, 85 किलोमीटर। और लास्ट वाली थर्मोस्फेयर, ये तकरीबन 120। ये वैल्यूज़ याद रखनी है, मतलब मैं अगर बात कहूँ स्ट्रेटोस्फेयर 11 से 50 किलोमीटर के दरमियान का एरिया है, मेसोस्फेयर 50 से 85 किलोमीटर के दरमियान का एरिया है, और थर्मोस्फेयर 85 से 120 किलोमीटर तक की हाइट का जो एरिया है इसको नाम दे रहे थे थर्मोस्फेयर। क्या नाम दे रहे होते हैं? थर्मोस्फेयर। यहाँ तक बच्चे किसी चीज़ का मसला हो। अच्छा, ज़मीन का टेम्परेचर जो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर लिया हुआ 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये आपकी बुक वाला चेंज करता है, किसी जगह 15 लेगा, किसी जगह 17 लेगा, इसमें कोई ज़्यादा एतराज़ात नहीं है। और याद रखिएगा जो भी वैल्यूज़ दी गई आप नेट पे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको वैल्यूज़ चेंज मिलेंगे, लेकिन हमने फॉलो करना अपनी बुक को, वैल्यूज़ आपको चेंज मिलेंगे। ये जो वैल्यू लिखी है हदीस नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स में जाएंगे तो आपको ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, टोटली चेंज हो जाती हैं। ये 11 किलोमीटर के बाद बुक में 12 किया हुआ है, ये 50 से किया, किसी ने 40 किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 60 किया हुआ है। ये तो आप ऊपर की तरफ जाते हो, किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे ये ख़त्म होगी, नहीं। वो हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से, जिस बंदे को जो ज़्यादा एक्यूरेट लगती है उसने वो चूज़ की हुई है, सही है। तो भाई ज़मीन का टेम्परेचर है तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर ऐसा कम होता है, और कम हो के कितना हो जाता है तकरीबन -58 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, फिर ऐसे ऐसे टेम्परेचर मज़ीद कम होता है -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, सही है। फिर क्या होता है, आगे टेम्परेचर इंक्रीज ही होता है। टेम्परेचर क्या होगा, नेक्स्ट बढ़ता है, क्योंकि सूरज करीब आता जाता है, नेक्स्ट इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट यहाँ पर चेक करो, इतने ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पर गया, -58 पे, मतलब इस स्फेयर में टेम्परेचर कम हुआ है, इस फेयर में टेम्परेचर बढ़ा है, इस फेयर में टेम्परेचर कम हुआ है, इस फेयर में टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये याद रखिए किस फेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है और किस फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सही। अगर कोई बंदा पूछे ये आपके चार लेयर्स हैं, ठीक है, नाम मान लिया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये किस बेस पे बनाई हुई, ये एमसीक्यू आ चुका है पास्ट पेपर में, ये चार लेयर्स बनाई किस बेस पे, हाइट की बेस पे, गैसेस की कंपोजिशन की बेस पे, टेम्परेचर की बेस पे, चलो ये तीन ही एमसीक्यू है। तो याद रखिए ये तीन लेयर ना तो हाइट की बेस पे बनाई है, ना गैसेस की कंपोजिशन की बेस पे बनाई है, ये तीन लेयर बनाई है टेम्परेचर की बेस पे। जहाँ तक ज़मीन से ऊपर की तरफ गए, जहाँ तक कम हुआ, हमने कहा यहाँ तक एक लेयर ख़त्म हो गई है, फिर आगे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। देखा जहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ वो आगे वाली नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो गई है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट एक वक्त आया जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता मैक्सिमम पहुँचा, फिर क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो गई है, ये क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो गई। फिर आगे क्या हुआ, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा, इस तरह ये चार लेयर्स बना रखी हैं।
सही है। तो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड, इसको हमने डिवाइड कर रखा है इनटू फोर लेयर, इनटू फोर लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेस में इनको चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। टेम्परेचर की बेस में क्या कर रखा है, इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अब ना आपने क्या करना है, यहाँ पे हाइट याद रखनी है, टेम्परेचर याद रखना है, नाम याद रखना है, तीन चीज़ें। चलो मैं नाम लिख लगा, कौन कौन सी लेयर है हमारे पास। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट लेयर है हमारे पास मीजोस्फेयर, और लास्ट वाली हमारे पास है थर्मोस्फेयर। अच्छा याद रखिएगा, मैं अगर हाइट की बात करूं, यहां मैं बात करूंगा हाइट की, किसकी बात करूंगा, हाइट की बात करूंगा कि यहां पे हाइट कितनी कितनी है इसकी, सही है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके टेम्परेचर रेंजेस की, किसकी, टेम्परेचर रेंजेस की बात करूंगा, सही है। बच्चे अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट यहां पे देखिएगा हमारे पास पहली लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, सही है। तो ट्रोपोस्फेयर अगर देखा जाए तो हमारे पास है पहले 11 किलोमीटर तक, मतलब ये 11 किलोमीटर, फर्स्ट 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, चलो मैं यहाँ लिखना 0 से लेके 11 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज क्या है, 17 से लेके माइनस 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस 58 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन सी लेयर है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर अगर देखा जाए तो 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का इलाका, 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर। अगर टेम्परेचर रेंज देखी जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज है माइनस 58 टू माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 58 डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की अगर बुलंदी देखी जाए तो 50 से 85 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर है, और 50 से 85 किलोमीटर है तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज कितनी है, माइनस 58 टू माइनस माइनस 2 टू माइनस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस 93 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट वाली हमारे पास है थर्मोस्फीयर, कौन सी है, थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर है माइनस 93 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी बुलंदी देखिए 85 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर, इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाती है, सही है। और नेक्स्ट अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो माइनस 93 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर। ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है, ये चार लेयर की बात कर ली हमने। अच्छा इसमें आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फीयर को, आपकी बुक ने सिर्फ 2 लेयर को डिस्कस किया है, ट्रोपोस्फीयर को और स्ट्रेटोस्फीयर को, इसके अलावा किसी लेयर को एक्सप्लेन नहीं किया। आज हम बात कर लेंगे ट्रोपोस्फीयर की, ट्रोपोस्फीयर। अगर ट्रोपोस्फीयर की बात की जाए तो जमीन से जो पहले जहां पे हम रह रहे हैं, तो मतलब आप ये पूछ लें कि हम किस लेयर में रह रहे हैं, तो हम जहाँ पे सांस ले रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वो ट्रोपोस्फीयर है। वो क्या हमारे पास है, ट्रोपोस्फीयर, सही है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वो लेयर प्रेजेंट जो मौजूद होती है जस्ट अबव, जस्ट अबव द अर्थ,
जमीन से बिल्कुल ऊपर, जमीन से बिल्कुल ऊपर मौजूद हो, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रोपोस्फेयर। हाइट कितनी है भैया? अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये लेयर की हाइट है 0 से लेके फर्स्ट 11 किलोमीटर तक। फर्स्ट 11 किलोमीटर तक। अरे चेक कीजिए, ये 11 है, 12 है, 12 है ना, वही यहाँ पे 11 है, याद रखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, तो ये छोटी सी मिस्टेक दूर कर लीजिएगा। सही है, 12 किलोमीटर। इसके बाद अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए, इस लेयर में टेम्परेचर रेंज कितनी है, टेम्परेचर रेंज, तो बच्चे याद रखिएगा टेम्परेचर रेंज इस लेयर की है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद जो बात आपने याद रखनी है, बच्चे मैक्सिमम फ्लाइट जो फ्लाई कर रही होती है वो इस लेयर के अंदर होती है। मैक्सिमम फ्लाइट फ्लाई इन दिस लेयर, मैक्सिमम फ्लाइट फ्लाई इन दिस लेयर, इन दिस लेयर। इसके बाद नेक्स्ट बात, एक बार दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटे, इस लेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट दो हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं बुनियादी चीज़, मतलब ये लेयर किन चीज़ों के बेसिकली मिलने से बनी होती है, वो दो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों के ओवरऑल परसेंटेज करोगे तो 99% बनाते हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा दो गैसों ने बना रखा है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। सही, ये बात दफा राइट। व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये सवाल है, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। सही है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो हैं हमारे पास, आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर कितना, ये तकरीबन 99% ऑफ एटमॉस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर आर फॉर्म, ट्रोपोस्फेयर इज फॉर्म्ड। बस इसके बाद नेक्स्ट एक बात याद रखनी, ये बाज ऑफ एमसीक्यू आ जाता है भैया, जब हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर हम जमीन से ऊपर 1 किलोमीटर जाएं तो तकरीबन टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जमीन से ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर जाने पे टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज बाय सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड बाय ईच किलोमीटर या वन किलोमीटर मूव अबाव द अर्थ। जमीन से ऊपर की तरफ जाने पे टेम्परेचर हर किलोमीटर के साथ 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, कितना काम होता है। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ मैं सिर्फ लफ्ज़ लिखूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा ये किस तरह हुआ है। बच्चे दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर, इस लेयर में टेम्परेचर को मेंटेन रखे हुए हैं। अगर ये दो गैसें आप ख़त्म कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट पाई जाती है इस लेयर में, 0.03%, बेशक बहुत कम मिकदार, अगर आप इस सारी की सारी गैस को मिकदार को ख़त्म कर दो तो आपका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा। और ये इतना टेम्परेचर है कि अगर इस टेम्परेचर में आप पानी को हवा में फेंकोगे नीचे आने से पहले फ्रीज हो जाएगा। और अगर ये वाला टेम्परेचर, अगर ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस ख़त्म करते हो तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते ज़मीन पर। सही है, लाइफ इम्पॉसिबल, यही समझ लो कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी।
सही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, CO2 एंड H2O। ये किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक टॉपिक आएगा वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, वहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। CO2 एंड H2O कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। भैया चंद एक बातें याद रखिएगा ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, सही है। तो इसके अलावा उम्मीद नहीं है कि कोई यहाँ से कोई सवाल बन सकता है। जहाँ पर अगर देखा जाए तो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सुन लो। पहले नंबर पर डिफाइन एटमोसफेयर, राइट डाउन द कम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर, पहला सवाल। सेकेंड, राइट आंदा, ये सिंपल भी आ सकता है, अकेला भी आ सकता है, राइट आंदा कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, ये टेबल लाजमी याद रखिएगा एमसीक्यू के हवाले से और इसके हवाले से। एक ये वाला, राइट आंदा नेचुरल सिस्टम ऑफ, नेम्स ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ आवर अर्थ, चार नाम याद रखें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमोसफेयर। अब एटमोसफेयर हो गया हमारे पास, इसके बाद लेयर्स, राइट आंदा नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर एंड देयर हाइट एंड टेम्परेचर रेंजेस। आपने क्या करना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये चार लेयर के नाम याद रखने, कितनी कितनी हाइट है ये याद रखनी है और क्या टेम्परेचर रेंजेस हैं ये याद रखना है। हमारी ज़मीन को चार लेयर में, या एटमोसफेयर को चार लेयर में डिवाइड कर रखा है, वो चार लेयर बनाई किस बेस में, तो याद रखिएगा वो चार लेयर बनाई हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शायद एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हो, सही है। तो पहली लेयर को हमने डिस्कस किया, इसमें एक ही शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज टू गैसेस फॉर्म 99% ऑफ आवर ट्रोपोस्फेयर, ये दो गैसें मिलकर हमारे ट्रोपोस्फेयर का तकरीबन 99% हिस्सा बना देते हैं, सही है। इसकी हाइट कितनी है, टेम्परेचर रेंज कितनी है, सही है, और ये कहाँ पाई जाती है, हमारी लाइफ मैक्सिमम लाइफ इस, याद रखिएगा, मैक्सिमम लाइफ एग्जिस्ट इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में ही मैक्सिमम लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ट्रोपोस्फेयर के बाहर देखो पहले 11 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाना इतना आसान तो नहीं है, उससे बाहर लाइफ एग्जिस्ट करती नहीं है, सही है, थोड़ी बहुत लाइफ एग्जिस्ट करती है, आप कहेंगे करती है क्योंकि बाहर सेटेलाइट के अंदर ही बंदे गए हुए हैं, सही है, तो वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपकी मैक्सिमम 99.9% लाइफ इसी स्फेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम फ्लाइट इस स्फेयर में मूव कर रही होती हैं। एक चीज़ जो आपने याद रखी है, बाज़ ऑफ़ एमसीक्यू आ जाता है, जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर जाते हैं तो टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।